Good morning, classmate. I hope you all are good and fine. So, children, today we will start our new lesson, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So, children, this story which you are going to read, it revolves around a scientist named Griffin. He discovers the rare chemical which can make a man invisible. Now, let's read the lesson and find out how he uses or misuses his power for his own. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys and starting surprise, they were surprised when they saw, जब उन्हें क्या देखा, fresh muddy imprints, बिल्कुल fresh, muddy means mud के, मिट्टी के imprints, निशान देखे. Pair of bare feet means feet without shoes, वो निशान कैसे थे? Without shoes, नंगे पैरों के निशान थे और मिट्टी पे वो निशान बने हुए थे. And the two boys, they were surprised when they saw the imprints. What was a barefooted man doing on the steps of a house? And the two boys, they thought कि एक barefooted man, नंगे पैरों वाला आदमी, इस घर के steps, सीढ़ियों पर वो क्या कर रहा है? In the middle of London, लंदन जैसे सिटी के बीच में. एंड वेयर वाज़ द मैन, और वो आदमी कहाँ? एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एंड एज दे गेज एज द टू बॉयज दे लुक्ड, तो उनको एक रिमार्केबल, एक वंडरफुल साइट, सीन, दृश्य दिखाई दिया. अ फ्रेश फुटमार्क्स, क्या दिखाई दिया? बिल्कुल फ्रेश फुटमार्क्स, पैरों के मार्क्स, निशान थे. But coming from nowhere, लेकिन वो निशान कहाँ से आ रहे हैं वो नहीं देख पा रहे थे. Further footprints followed, और उन दोनों boys ने उस पैरों के निशान का पीछा किया. One after another, जो निशान थे, एक के बाद एक निशान. Descending the steps and progressing down the street, सीढ़ियों से नीचे आते हुए और गली की ओर जाते हुए. The boys followed fascinated. Until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. And the two boys, उन्होंने क्या किया? उस muddy imprints का पीछा किया. Because the two boys, they were attracted, बहुत प्रभावित हुए. उनमें जानने की इच्छा थी कि steps, ये निशान कहाँ से आए हैं, imprints. तो तब तक कि जब तक कि पैरों के निशान धुंधले नहीं हो गए, the two boys, उन्होंने क्या किया? उस इम्प्रिंट का फॉलो किया, उसका पीछा किया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द बीविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. और इस मिस्ट्री, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सिंपल है. द बीविल्डर्ड बॉयज, द डीपली कंफ्यूज बॉयज, द अटरली कंफ्यूज बॉयज, वो क्या कर रहे थे? एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी एक क्या डिस्कवर किया था, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को पारदर्शी कैसे बनाया जाए. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, एंड द साइंटिस्ट नेम वॉज ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट. एंड द साइंटिस्ट, he carried out, उसने एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट किए to prove that the human body could become invisible. क्या प्रूफ करने के लिए? कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य बनाया जा सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. And finally, the griffin, the scientist, he swallowed, उसने निगल लिया. क्या निकला? Certain rare drugs को निकला. And his body became transparent. उसकी जो
उसकी बॉडी जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी बन गई एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि ग्लास का शीट होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वो, दो ग्रिफिन वॉज वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट ही वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट। लॉलेस मीन्स जो लॉ कानून को बिल्कुल नहीं मानता। His landlord disliked him and tried to eject him. और उसके जो लैंडलॉर्ड थे ग्रिफिन के, वो उसको डिसलाइक, उसको पसंद नहीं करते थे और उसको अपने घर से निकालना चाहते थे। In revenge, ग्रिफिन set fire to the house. और इसके बदले में जब ग्रिफिन के लैंडलॉर्ड क्या करना चाहते थे, ग्रिफिन को अपने घर से निकालना चाहते थे, तो इसके बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, He set fire to his landlord's house. अपने लैंडलॉर्ड के घर को उसने आग लगा दिया। To get away without being seen, he had to remove his clothes. और ताकि ग्रिफिन को कोई देख नहीं पाए, इसके लिए ग्रिफिन को अपने क्लोथ्स को निकालना पड़ा। Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार जो ग्रिफिन था वो एक मक्कर बन गया, बिना घर के, without clothes के and without money and quite invisible, अदृश्य। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जब तक इसने क्या किया, मिट्टी पे अपने पैरों को नहीं रखा और जब वो चला तो अपने पैरों को निशान को उसने मिट्टी पे मड पे छोड़ दिया। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily, वो बड़ी आसानी से जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था वो बच गया उन बॉय से जो क्या कर रहे थे, ग्रिफिन के फुटप्रिंट्स का वो पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over. लेकिन साइंटिस्ट का जो एडवेंचर्स था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. और वो एडवेंचर क्या था, ग्रिफिन ने एक बहुत बैड टाइम चूज किया था क्या करने के लिए, लंदन में घूमने के लिए। इट वॉज मिड विंटर, क्यों बैड था, क्योंकि मिड विंटर का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट गो विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि जो हवा थी उसमें बहुत ठंडक थी एंड बिना क्लोथ्स के उसका काम नहीं चल सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वॉक। और गली में घूमने के बजाय ग्रिफिन ने क्या डिसाइड किया कि मुझे लंदन के किसी स्टोर पर गर्मी गर्माहट लेने के लिए मुझे छिप जाना चाहिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड और टू एक्सपेंस। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड शॉप का क्लोजिंग टाइम आ गया और जैसे ही शॉप के दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन को मौका मिल गया। ही वेंट इनटू द स्टोर में वो गया और उसने वहाँ पे कपड़े भी पहन लिए एंड ही फीड हिमसेल्फ आल्सो, उसने खाना भी खा लिया बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी खर्च। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट वॉर्म क्लोथ्स, और उसने बॉक्सेस को खोला, उसके रैपर्स को खोला और उसने वॉर्म क्लोथ्स भी पहन लिया। सून विद शूज एंड ओवरकोट, और जल्दी ही अब जो ग्रिफिन था उसने शूज भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिया, हैट पहन ली एंड ही बिकेम फुली ड्रेस्ड, अब वो कंप्लीटली ड्रेस अप हो गया एंड विजिबल पर्सन, और वो विजिबल हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, और रेस्टोरेंट में उसने क्या देखा, रेस्टोरेंट में देयर वाज अ किचन इन द रेस्टोरेंट एंड देयर ही फाउंड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द एंड ही एट अप द मील, उसने मील को खा लिया स्वीट्स को एंड वाइन भी उसने पी लिया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, और फिर आफ्टर टेकिंग हिज मील आफ्टर ड्रेसिंग अप वो रजाई के ढेर पर वो सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, एंड इफ इन द मॉर्निंग जो ग्रिफिन था वो टाइम पे उठ जाता तो उसके साथ सब कुछ ठीक होता। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी
already arriving next morning. And what happened? Next morning with an assistant, जब helpers आए shop के, at that time जब refill था, वो नहीं जाग पाया, was still sleeping. When he saw a couple of them approaching, and जब refill ने देखा कि a couple of जो helpers से shop के वो आ रहे हैं, moving towards refill, he panicked and began to run. तो he frightened, refill डर गया और उसने दौड़ना शुरू कर दिया. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और जो शॉप के जो हेल्पर्स थे वो ग्रिफिन को पकड़ लेते, लेकिन इन द एंड जो ग्रिफिन था वो भागने में सफल हो गया. कैसे? हाउ? क्योंकि उसने अपने न्यूली फाउंड क्लोथ, जो उसने कपड़े पहने थे लंदन स्टोर से, जो शॉप से, उसको उसने ये रिमूव द क्लोथ उसको निकाल दिया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इन दिस but not in the children. So once again Griffin, he became invisible. अपने आप को देख invisible हो गया. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that hide the empty space above his shoulder. और इस time Griffin ने decide किया कि वो क्या करेगा, कि वो theatrical company में जाएगा और न केवल कपड़े को ही वो फाइंड आउट करेगा, लेकिन वो कुछ ऐसा भी ढूंढेगा कपड़े के अलावा जिससे उसके शोल्डर्स भी कवर हो जाए. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन, और ठंड से कांपते हुए जल्दी से ड्यूरी लेन पे गया. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था. ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और जल्दी उसको सूटेबल शॉप मिल गई. एंड ही मेड हिज वे इनविजिबल, और अपस्टेयर्स और इनविजिबल अदृश्य होते हुए वो शॉप के अंदर, थिएटर कंपनी के अंदर गया. एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और वो बाद में थोड़ी देर बाद आया. वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड पे बैंडेजेस को पहने हुए. डार्क ग्लासेस लगाए हुए, फॉल्स नोज लगाए हुए, बिग साइड विस्कर्स ऊंचे लगाए हुए, और एक बड़ी सी हैट पहने हुए. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, ताकि उसको कोई देख ना सके. तो उसने क्या किया, carelessly, very cruelly, बहुत निर्दयता से उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया. After which he robbed him of all the money he could find. और उसके बाद ग्रिफिन ने उस शॉपकीपर के पास जितने भी मनी थे उसने उसे रॉब करने उससे लूट ली. Now children, come to the word bare. Bare feet without shoes or socks on them. Be vulgar, deeply confused. Panic, overpowering feeling of fear. Can you see cruel disregard for it? So children, now your homework is read the lesson and do the oral comprehension question. Thank you and have a wonderful day.